लगभग लगभग ये 1 किलोमीटर या उससे आगे पीछे हो सकता है, पर इस दूरी में, इस डिस्टेंस में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं उस लाइन को दिखाऊँगा जो बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, और इसको समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत कम होते हैं जो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, मैं जो बातें आपको बताने वाला था, यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी पत्ते या झाड़ को ना तोड़े। और दोस्तों, अब मैं करूँगा पॉइंट की बात जो कि मैं आपके साथ करने वाला हूँ। दोस्तों, हम बेजान हो या जान हो, हम उसके कभी कभी इंसान का भी दिल तोड़ देते हैं या तो पेड़ पौधे को तोड़ देते हैं, पर कई बार क्या होता है मालूम है, हम इंसान को बुरा भला कह के हम उसको सॉरी बोल देते हैं, पर इन पेड़ पौधों को देखेंगे, इनको सॉरी बोल के या उनसे माफ़ी मांग के, क्या आपका सॉरी उनको जोड़ सकता है या इंसान को सॉरी बोल के उनका दिल आप जोड़ सकते हैं फिर से? नहीं मेरे भाई, जो एक बार टूट गया, जो बुरा लग गया जिनको, उनको फिर से आप ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे भाई और बहन से गुजारिश है, चाहे वो इंसान हो या फिर बेजान पेड़ पौधे, हालांकि इसमें जान है इसलिए ये खड़े हैं, लेकिन किसी का दिल या तो फिर ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनको तोड़िए मत बल्कि लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।